देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 9 जिलों की 55 सीटों पर लड़ाई ज्यादा कड़ी मानी जा रही है। एक तरफ जहां दूसरे चरण को देखते हुए सबकी नजरें 9 जिलों की 55 सीटों पर टिकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी का दौर अब भी बरकरार है। जी हां, इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे सारे विपक्षियों में खलबली मच चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि अब क्या कह गए सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी संग्राम जोरों से बढ़ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर बवाल शुरू हो गया है। बयान भी ऐसा कि आप लोग थोड़ा परेशान हो जाओगे। जी हां, दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले रविवार को योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध ले, वो रहे या ना रहे भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा, जय श्री राम। इस बयान के बाद लगातार सारे विपक्षियों में खलबली मच चुकी है और कुछ तो ये सोचने में ही लग गए हैं कि ये गजवाए हिंद आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गजवाए हिंद होता क्या है जिसे लेकर सियासत अब बढ़ चुकी है। गजवाए हिंद एक पुराना शब्द है। इसमें गजवा का मतलब उस जंग से था जो इस्लाम के विस्तार के लिए लड़ी जाती थी, यानी गजवा हिंद के माने ऐसी जंग से हैं जिसके जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों में इस्लाम में शामिल किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि जब इस्लाम को भारतवर्ष में विस्तार देने की कोशिश हुई थी तब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि नए भारत में विकास सबका होगा लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम कर रही है, नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा शरीयत के अनुरूप नहीं। इन बयानों के बाद से लगातार विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने में लगी हुई हैं और जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही हैं। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि नया भारत है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, सबका साथ सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं। इस बयान को लेकर सपा नेता इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, ये उनकी हताशा और निराशा है। देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा, संविधान की वजह से ही योगी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन जो आप करने की सोचते हो वो नहीं कर पाओगे। और देश में शरिया नहीं है, न शरिया को कोई कह रहा है। ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात बता करके जब आपके पास मुद्दे नहीं रहते तो आप इधर उधर की बात करने लग जाते, कभी आप इधर की बोलते हो कभी कौन सा गजवाए हिंद है क्या गजवाए हिंद है। पहले तो ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत शब्दों का प्रयोग कर करके केवल लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हो, कौन मान रहा है यहाँ। अब चुनाव है तो ये बयानबाजी तो आम बन चुकी है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इन बयानबाजी का असर कितना इस चुनाव पर पड़ सकता है और पार्टियां कितना लोगों को अपने खेमे में करने में कामयाब हो सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।